नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़मेर से। ई लेक्चर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ME 307 के चैप्टर प्लांट लोकेशन से संबंधित है। तो प्लांट लोकेशन के बारे में, हम इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट लोकेशन में मददगार होते हैं या हमें कंसिडर करने चाहिए, उसकी हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो प्लांट लोकेशन की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में। देखिए, जब भी हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं या कोई एस्टेब्लिशमेंट लगाते हैं तो हमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है उसकी जगह की चयन करना कि हमें कहाँ पर अपनी फैक्ट्री डालनी है। तो अ प्लांट इज़ अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह होती है वेयर मैन, मटेरियल्स, मनी, इक्विपमेंट, मशीनरी आर ब्रॉट टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। तो प्लांट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें मानव, मटेरियल यानी सामग्री, मनी पैसा, इक्विपमेंट, मशीनरी आदि को हम एक साथ इकट्ठा करके हमको जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो प्लांट लोकेशन का मतलब ये होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री एट ए पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी जगह पर हम लोग जो अपना प्लांट जो है, जो फैक्ट्री है उसको डालते हैं, दैट इज अ प्लांट लोकेशन। जो साइट सिलेक्शन भी हम इसको बोलते हैं कि हमें किस साइट पे इसको लगाना है। अब प्लांट लोकेशन रेफर्स टू द चॉइस ऑफ द रीजन एंड द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब एक आइडियल लोकेशन क्या हो सकती है किसी भी फैक्ट्री के लिए, तो हम अगर इसको समझेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि भी हमारे लिए आइडियल लोकेशन वो होगी जहाँ से कि हम अपने जो प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम आए, यानी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी, प्रचार की भी कॉस्ट, जो भी कॉस्ट उसमें हमें लगती है वो कम से कम आए, तभी हम मांगेंगे कि ये जो हमारी लोकेशन है परफेक्ट है। अच्छा, उसमें हमारे को लार्ज मार्केट शेयर मिलना चाहिए, मतलब हम जो अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आसानी से बिक जाए और हमें उसका मार्केट शेयर भी मिले, है ना, और लीस्ट रिस्क हो, कम से कम उसमें हमारे को रिस्क हो और मैक्सिमम सोशल गेन हो, ठीक है सर। अब इसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं या जो कारक होते हैं जिससे कि हमें प्लांट लोकेशन प्रभावित होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियरनेस टू द रॉ मटेरियल, यानी कच्चे सामग्री की उपलब्धता। तो आपने देखा होगा कई फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रॉ मटेरियल के पास ही वो फैक्ट्री डालते हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री। इसका एक तो फायदा ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको हमें लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, प्लस हमें रॉ मटेरियल की उपलब्धता और हमें उसके लिए अनावश्यक रूप से उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, कि हमें पता है कि जैसे हम लोग रॉ मटेरियल ख़त्म होगा उससे थोड़ा सा पहले हम लोग अगर ऑर्डर कर देंगे तो रॉ मटेरियल आने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो हमें मिनिमम मिलेगी। फिर होता है जैसे एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो जब भी आप कोई प्लांट को कोई साइट सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि रॉ मटेरियल को लाने के लिए प्लस हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको ले जाने के लिए मार्केट बाजार तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, यानी रेल, रेलवेज हो, सड़क हो, या समुद्र परिवहन हो, या एयर वो हो, तो वो सब हमारे को अवेलेबल होने चाहिए। फिर आता है नियरनेस टू मार्केट। अब हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसको हम चाहेंगे कि उसको जो मार्केट जो हमें बेचना है फिनिश प्रोडक्ट वो पास की पास हो, जिससे कि हमारे प्रचार प्रसार की सामग्री बचती है और इसमें भी जो हमारे को फिनिश प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल के जैसे ही फिनिश प्रोडक्ट को हमें बेचना होता है मार्केट में तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाती है। अब ये जो दो मैंने पहला और तीसरा आपको बताया है, जैसे नियरनेस टू मार्केट और रॉ मटेरियल, इसमें हमें कौन सा प्रेफर करना पड़ता है, तो उपरोक्त दोनों घटकों में से किसको अधिक महत्व प्रदान किया जाए इसे जानने के लिए एक सामग्री सूचकांक होता है, इसकी सहायता ली जा सकती है। सामग्री सूचकांक जो होता है वो होता है कच्ची सामग्री का भार अपॉन निर्मित वस्तु का भार। यदि सूचकांक बड़ा रहता है तो कच्ची सामग्री की उपलब्धता वाले स्थान को हम प्राथमिकता या प्रायोरिटी देते हैं, जबकि सूचकांक अगर छोटा होता है तो कच्ची सामग्री उपलब्धता महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, तो ये हमें देखना होता है। इसीलिए हमने देखा है कि जितने भी चीनी के उद्योग होते हैं, शक्कर उद्योग होते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश में है, सूती कपड़ा उद्योग जो है वो महाराष्ट्र गुजरात में है, लोहा व इस्पात उद्योग उड़ीसा में, तथा जूट उद्योग जो है वो आपके पश्चिम बंगाल साइड में बहुत होता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि
जो चौथा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, तो लेबर जो होती है इसकी भी आपको बहुत जरूरत घटक, बहुत इंपॉर्टेंट घटक या कारक होता है ये, या फैक्टर होता है साइट सिलेक्शन के लिए। वे स्थान उद्योग की स्थापना के लिए उचित रहते हैं जहां पर आवश्यक योग्यता व स्तर के कुशल, अर्ध कुशल व अकुशल अपन को जो सस्ती दरों पर और पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाता है श्रम, तो वो हमें ये भी बहुत देखना पड़ता है। फिर जो चीज़ आती है अगर हम लोग बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। जैसा कि पता है, आपको पता ही होगा कि पहले जितने भी उद्योग स्टेब्लिश होते थे वो नॉर्मली कोल बेस्ड होते थे, तो ये ध्यान रखा जाता था कि जहाँ कोल आसानी से मिलता है उसके आसपास ही हम लोग अपना जो उद्योग है वो लगाते थे, स्थापित करते थे। लेकिन आजकल बिजली पे ज़्यादातर आपके उद्योग चलते हैं, और बिजली का ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, तो हम लोग ये थोड़ी सी समस्या का अब समाधान हो गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की प्रचुर मात्रा हमें अवेलेबल होनी चाहिए। कई पर्टिकुलर फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जैसे फार्मा इंडस्ट्रीज, इसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम लोग अपनी जो साइट होती है उसमें भी हम ये देखते हैं कि पानी की उपलब्धता है कि नहीं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी सेट होते हैं वो भी पानी की ही, जहाँ पर प्रचुर मात्रा होती है अवेलेबल, वहीं पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। फिर जो सातवां पॉइंट है वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। हालांकि क्लाइमेटिक कंडीशन का भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन आजकल HVAC जैसे हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग की मदद से काफ़ी हद तक हम लोग क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड अदर एड्स, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो कि आपको पर्टिकुलर फैक्ट्री लगाने के लिए या इंडस्ट्री सेट करने के लिए कई तरह की सुविधाएं देते हैं, जैसे लोन की कम दरों में आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, कुछ लैंड आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारक है या फैक्टर है जिससे कि हम लोग साइट सिलेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि टाटा नैनो का जो प्लांट लगना था पहले वेस्ट बंगाल में लगना था, लेकिन गुजरात में अल्टीमेटली वो लगा, क्योंकि गुजरात में कुछ फैसिलिटीज़ उनको ऐसी दी गई थी लोन से संबंधित या किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी, और इसलिए वो जो टाटा नैनो का जो प्लांट था वो फिर गुजरात में इस्टेब्लिश हुआ। लैंड, उसकी टोपोग्राफी, एरिया, शेप ऑफ द साइट, कॉस्ट, ड्रेनेज, अर्थक्वेक, ये भी हमें जब हम लोग कोई लैंड या साइट सिलेक्शन करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है। कम्युनिटी का एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां हम लगा रहे हैं वहां पर। प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज, अच्छा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो हम वहाँ से ऑलरेडी हमारा जो पर्टिकुलर एक जो इंडस्ट्री होती है उससे रिलेटेड होती है, उसका ये फ़ायदा होता है, एक तो आपको रॉ मटेरियल सस्ते दरों में मिल जाता है, प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपने जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, अपना जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी दूसरी इंडस्ट्रीज काम में ले लेती है, तो हमें वो भी एक आय का जरिया होता है। हॉस्पिटल, मार्केटिंग सेंटर, स्कूल्स, बैंक्स, इनकी सुविधा भी हमारे कर्मचारियों के लिए या हमारे अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हमें ये सब सुविधाएं भी देखनी पड़ती हैं। हाउसिंग फैसिलिटीज, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा फैक्ट्री स्टेब्लिश होती है तो हमें अपने लेबर क्लास और अधिकारी क्लास मैनेजमेंट्स के लिए हमें हाउसिंग फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे कभी जब हम अपनी फैक्ट्री डालते हैं तो उसमें फ्यूचर में उसका एक्सपांशन करने के लिए भी हमें जगह चाहिए होती है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। इसके अलावा सिक्योरिटी, जिस इलाके में आप वो अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं या एंटरप्राइज लगा रहे हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से प्रॉपर सुविधा सुरक्षा की भी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको मैंने साइट सिलेक्शन या प्लांट लोकेशन के लिए जो फैक्टर्स बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।